आज किसी वीडियो में बात करेंगे स्किन लाइट क्रीम के बारे में। स्किन लाइट क्रीम क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है और इसके क्या साइड इफेक्ट है और इसमें क्या कंपोजिशन है और यह काम कैसे करता है और ये बिना डॉक्टर के एडवाइस का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसको बिना डॉक्टर की सलाह का, बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिए हुए आप इस्तेमाल कर सकते कि नहीं। तो इसका जवाब रहेगा नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको बिना डॉक्टर के एडवाइस का यूज़ करेंगे कंटिन्यू, तो पहला ये है कि आप जब तक इसको इस्तेमाल करेंगे, जब तक इसका असर रहेगा, इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो आप फिर से आपका जो चेहरा डार्क था वो डार्क हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजी से कंसल्ट कर लें। अगर आप इसको कंटिन्यू सालों साल यूज़ कर रहे हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस का, तो आपको बहुत से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से एक ये भी हो सकता है कि आपका चेहरे का स्किन या आप इसको जहाँ पे अप्लाई करें वहाँ का स्किन एकदम पतला हो सकता है। पतला हो जाए तो आपको बहुत सी दिक्कत हो सकती है बाद में। तो इससे बेहतर है कि आप छोटे छोटे अगर स्किन को लाइटिंग करना है तो आप ये सब क्रीम ना यूज़ करें, वही बेहतर रहेगा। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोजिशन है, किस किस केमिकल से ये मिलकर बना हुआ है। तो इसमें तीन तरह का कंपोजिशन है, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन। ये तीन तरह के केमिकल से ये मिलकर बना हुआ है। अब देखते हैं कि ये तीनों काम कैसे करता है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। में जो हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन का काम क्या रहता है, स्किन को लाइट करना। स्किन पे जो भी डार्क सर्कल है या कुछ दाग वगैरह आ गए स्किन पे, तो उसको साफ़ करके और लाइट करता है, उस तरह से ये काम करता है। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत जल्दी इसका असर भी करता है, लेकिन इसका ये एक्शन रिवर्सिबल है। जैसे कि आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो फिर से आपका स्किन जो डार्क था वो डार्क हो जाएगा, इस तरह से ये काम करता है। दूसरा जो कंपोजिशन है मोमेटासोन, मोमेटासोन का काम क्या रहता है, वो एक स्टेरॉइड का फॉर्म है। उसका काम क्या रहता है, स्किन में जो रेडनेस आ जाए या सूजन आ जाए या इचिंग हो रहा है, तो वो जो केमिकल के थ्रू होता है वो केमिकल को जाके ब्लॉक कर देता है, इस तरह से काम करते हैं। तीसरा जो कंपोजिशन है ट्रेटिनोइन, ट्रेटिनोइन विटामिन ए का फॉर्म है। ये क्या करता है, जो स्किन जो ख़राब हो जाता है उसको रिन्यू करने में काम करता है। वो जल्द ये ट्रेटिनोइन मिला देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी वो रिन्यू हो जाए, उसको रिन्यू होने में मदद करता है ट्रेटिनोइन। इस तरह से ये तीनों केमिकल मिलकर काम करता है, स्किन में जो रेडनेस आ जाए या सूजन आ जाए या इचिंग हो रहा हो या डार्क सर्कल हो गया हो या पिंपल्स हो गया, ये सब कंडीशन में ये क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इफेक्ट है, बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले आप डर्मेटोलॉजी से मिलके या कंसल्ट करके इसके बारे में इस्तेमाल करें। देखते हैं कि इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, इसको अप्लाई करेंगे तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे स्किन पे बर्निंग हो सकता है या रेडनेस हो सकता है या सूजन हो सकता है या इचिंग प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट इसका होता है, वहाँ पर जहाँ पर भी इसको अप्लाई करें वहाँ का स्किन पतला हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है। इसके ये नहीं कि आप जैसे अप्लाई करेंगे आपका स्किन थिन होने लगेगा, इसको अगर कंटिन्यू सालों साल यूज़ करेंगे तो इसका वो साइड इफेक्ट, क्योंकि स्टेरॉइड का काम वही रहता है कि स्किन को थिन कर देता है। क्रीम को आप दिन में 2 से 3 टाइम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि जब भी इसको अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करने के बाद आपको धूप में नहीं निकलना है। अगर जो धूप में निकलेंगे तो ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा, अगर जो आप इनकेस निकल भी रहे तो फेस को कवर करके निकलना है। इसके अलावा अगर इसको आप कंटिन्यू रात में इस्तेमाल करेंगे, सोने से पहले इसको अप्लाई करके सोएंगे, तो ज़्यादा सेफ रहेगा और इसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा। इनका इस्तेमाल जले हुए जगह पर या कटे हुए जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर ये प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में इसका इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले। इसके अलावा इसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बिना डॉक्टर के कंसल्ट का यूज़ नहीं कर सकते।